हॉरर क्लास की नई वीडियो में आपका स्वागत है। आगे भी ऐसी वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। क्लिप नंबर 1, रेडिएशन डेथ। आप सभी रसिया के चेर्नोबिल डिजास्टर को तो जानते ही होंगे। अगर नहीं जानते तो मैं आपको बता देता हूँ कि चेर्नोबिल एक गांव का नाम है जो कि रशिया में है, और अप्रैल 26, 1986 को यहाँ एक न्यूक्लियर पावर प्लांट में एक अनहोनी घटती है, जिसके वजह से उस एक रात में चेर्नोबिल गांव और उसके आसपास की सभी जगहों में लगभग 35,000 लोग मारे जाते हैं। और ये 35,000 का आंकड़ा सरकारी आंकड़ा है, और सही आंकड़ा इससे भी ज्यादा हो सकता है। और आज के समय में भी 100 से भी कम ऐसे लोग पूरे दुनिया में बचे हैं जो कि उस रात जिंदा बचकर वहां से वापस लौट पाए हों। और पूरी स्टोरी आप YouTube पर जाके सर्च करके देख सकते हो कि आखिर चेर्नोबिल डिजास्टर कितना खतरनाक था। और आज इस घटना को पूरे 22 साल गुजर चुके हैं और आज भी ये गाँव वीरान पड़ा है। यहाँ पर किसी को भी आने की अनुमति नहीं है, लेकिन स्पेशल परमिशन लेके यहाँ आया जा सकता है। और ऐसा ही इस बार पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन टीम ने किया है, और वो अपनी टीम के साथ यहाँ आए हैं। और यहाँ आते ही उस गांव के पास रहने वाले मिलिट्री ने उनको सावधान कर दिया कि वो इस गांव में किसी भी चीज पे हाथ ना लगाएं। जितनी बार भी वो अपनी गाड़ी से नीचे उतरें, वापस गाड़ी में चढ़ने से पहले वो अपने बूट को यानी की शूज को अच्छे से साफ करें, और साथ में वहां पड़ी किसी भी चीज के ऊपर हाथ बिल्कुल भी ना लगाएं, क्योंकि आज भी ये जगह इतनी रेडिएशन से भरी हुई है कि अगर कोई यहां 5 से 6 दिन रह जाए तो वो रेडिएशन से मर जाएगा। और जब क्रिएटर अपनी टीम के साथ यहां की इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं, तब एक बिल्डिंग से उनको डोर के बंद होने और खुलने की आवाज आती है, और तब वो अपने रोबोटिक रिमोट कंट्रोल कार को अंदर भेजते हैं। और तब उनके कार वहां पर जो रिकॉर्ड करती है वो उनकी टीम को यहां की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए मजबूर कर देता है। Riusciamo a entrare in un palazzo Pripyat? Che hanno trovato il modo di entrare dentro un palazzo di Pripyat. Bravi, forza Italia. इसके बाद दोस्तों वो चेर्नोबिल के एक एबेंडेंड हॉस्पिटल को इन्वेस्टिगेट करने जाते हैं, और उस हॉस्पिटल में उनके साथ जो घटता है वो आपको भी एक बार देखना चाहिए। Simo a destra, wow. Un muro davanti a Simo a destra. Questo ha formato, raga, raga, cosa? Raga, ha formato una persona. Ha for... Che cazzo è stato? Raga, si è formata una persona lì. Ma stai scherzando? Lì, è come lì. Lì, c'è ancora. No, raga, raga, fermi, fermi, sto filmando. Cosa? Ragazzi, c'è qualcosa di giallo adesso. Sta cambiando temperatura, sta cambiando temperatura, sta cambiando temperatura davanti a... Avanti alla porta, sto filmando.
alla stessa temperatura dell'M1. Ragazzi, stiamo parlando di una temperatura gialla che è tutto lo spettacolo. Io vi dico anche che temperatura è, perché leggermente più calda. Siamo a 10 gradi. पहले तो उनको एक आवाज़ आती है, जिसके बाद वो अपना थर्मल इन्वेस्टिगेशन कैमरा स्टार्ट कर देते हैं, जिसके बाद उनको हॉस्पिटल के हॉलवे में कोई खड़ा हुआ दिखाई देता है और हॉलवे में जो भी चीज़ उनको दिखाई देती है वो धीरे धीरे अपना टेम्परेचर भी बदल रही थी और ये सब वो अपने थर्मल कैमरे में रिकॉर्ड कर रहे थे। और इसके बाद वो उस हॉस्पिटल के एक रूम की तरफ बढ़ते हैं और तब वापस से वो कुछ ऐसा रिकॉर्ड कर लेते हैं जो कि उनको काफी डरा देता है। Chiusa, tu sei chiusa? No, chiusa. Mi sembra che abbiano anche ripresa, perché mi stavo girando per venire a prenderti in faccia. E mi sembra che l'ho anche ripresa che stavo chiudendo io lontano. Non l'ho chiusa io. उनको वहाँ किसी के फुटप्रिंट साफ साफ दिखाई दे रहे थे, लेकिन वहाँ कोई भी मौजूद नहीं था। और उसी बीच पीछे मौजूद एक रूम का डोर काफी तेजी से बंद होता है, जिसको देखकर वो काफी डर जाते हैं। इसके बाद भी वो उस जगह को एक्सप्लोर करना बंद नहीं करते, लेकिन इसके बाद उनके साथ जो घटनाएं घटती है, अगर आपको वो सब देखना है तो आप इनके चैनल पर जाके देख सकते हो। ये पूरे 8 वीडियो का एक प्लेलिस्ट को मिल जाएगा और साथ में इंग्लिश सबटाइटल भी मौजूद है। और इस वीडियो को देखने के बाद इतना तो कंफर्म है कि आज भी चेर्नोबिल में कुछ मासूमों की आत्मा मौजूद है, जो कि उस रात बिना किसी गलती के मारे गए थे। बाकी आप भी अपनी राय कमेंट में जरूर बताना। क्लिप नंबर 2, एन अननोन प्रेजेंस। दोस्तों, हमारी आज की ये वीडियो साबिया एल नामक यूट्यूब चैनल की है। साबिया एल का ये मानना है कि उनके घर में किसी बुरी शक्ति का वास है, जो कि आए दिन उनको परेशान करती है। और अपने उस घर को छोड़ने के लिए उन्होंने अब सारी तैयारी कर ली है, लेकिन उस घर को छोड़ने से पहले वो कुछ क्लिप्स रिकॉर्ड करती हैं, जो कि उनकी बात को पुख्ता कर सके। तो पहले आप क्लिप देखिए। इन सभी घटनाओं ने क्रिएटर को काफ़ी डरा दिया था, लेकिन एक रात वो अपने कैमरे में कुछ ऐसा रिकॉर्ड कर लेती हैं जो कि उनको उस घर को और जल्दी खाली करने पर मजबूर कर देता है।
और इस वीडियो के बाद महीने तक क्रिएटर कोई भी वीडियो अपने चैनल पर नहीं डालती और उनके सब्सक्राइबर भी इसी बात पर काफी परेशान हो जाते हैं। लेकिन इसके बाद अचानक से 5 महीने बाद वो अपने चैनल पर ये वीडियो अपलोड करती हैं और इस वीडियो का टाइटल था लास्ट वीडियो हॉन्टेड अपार्टमेंट इन द नेदरलैंड नो मोर पॉलिटरगेस्ट एक्टिविटी फॉर मी। तो जैसा कि आपको टाइटल से ही पता लग रहा होगा कि उन्होंने अपना वो घर खाली कर दिया, लेकिन इसके बाद भी उनके साथ ये सारी घटनाएं बंद नहीं हुई। ये बुरी आत्मा उनके साथ उनके नए घर तक भी पहुंच गई और वो आत्मा वहां जाने के बाद भी उनको वैसे ही परेशान करने लगी, जिसके बाद उन्होंने ये वीडियो अपलोड की। तुम रो पे खाना नहीं है तो। सबसे पहले तो उनके ड्रेसिंग रूम की लाइट ऑन ऑफ होने लगती है, जिसके बाद वो उस घर को चेक करती हैं, लेकिन वहाँ कुछ भी मौजूद नहीं होता। फिर बाहर की तरफ लगा एक लाइट फ्रेम भी खुद ब खुद हिलने लगता है और फिर दोबारा लाइट बंद हो जाती है और तभी अंधेरे में एक काली परछाई उनके सामने खड़ी मिलती है और उसके बाद उनके सीढ़ी से कोई ऊपर की तरफ तेजी से चला जाता है और क्रिएटर डर के ऊपर की तरफ नहीं जाती और शायद उनका ये फैसला सही भी था। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर बताना, और क्या ये एक प्री प्लान वीडियो हो सकती है आप मुझे भी ये कमेंट सेक्शन में जरूर सजेस्ट करना। क्लिप नंबर 3 रेड आइज डेमन। आरकेआर हिस्ट्री के एक सब्सक्राइबर ने इस बार उनको एक ऐसी लोकेशन के बारे में बताया है जो कि एक गांव के पास है और गांव वालों का कहना है कि उस लोकेशन पर रात के समय एक ऐसा जीव निकलता है जो कि इंसानों और जानवरों पर हमला करता है और इसी वजह से रात के समय उस लोकेशन से कोई नहीं जाता और इस लोकेशन पर आरकेआर अकेले ही जाते हैं और वो इस जगह पर जिसको ढूंढने गए थे वो भी जल्दी ही इनके कैमरे में रिकॉर्ड हो जाता है। कोनो जवाब दो कोनो। कोनो होई कौन है? एक मिनट दोस्तों, ये क्या है? एक मिनट जूम करता हूँ यार। कौन हो जवाब दो। पास में जाता हूँ इसके। कौन हो?
इसके बाद आरकेआर अपनी कार की तरफ जाते हैं और अपने कार में से एक लाठी लेके आते हैं जिससे वो अपना बचाव कर सकें। और उनका ये करना वहाँ रहने वाले जीप को पसंद नहीं आता। और जब आरकेआर वापस वहाँ पहुँचते हैं तब वो आरकेआर के ऊपर हमला करने की कोशिश करता है। दोस्तों लाइट करके देखने दो मेरे को, यहीं पर है, यहीं पर है, देखो देख रहे हो ना, एक मिनट जूम करता हूँ। हाँ हो जा हो जा हो जा हो जा, हाँ हाँ ये एक मिनट, तो उसको डालता हूँ अंदर। एक मिनट यार जूम हुआ रह गया। जवाब दो, जवाब दो, कौन हो? देखो डराने की कोशिश मत करो, जवाब दो कौन हो, जवाब दो। इसके बाद आरकेआर वहां से जाना ही पसंद करते हैं और वो ये डिसाइड करते हैं कि अगली बार वो यहां पर अपने साथ किसी को लेके आएंगे और तब वो इस लोकेशन को और भी अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे। तो आखिर आपको क्या लगता है, क्या सही में इस लोकेशन पर कुछ हॉन्टेड मौजूद है या फिर ये एक प्री प्लान वीडियो है? आप कमेंट में जरूर बताना। क्लिप नंबर 4, ए ब्लैक एंटिटी। दोस्तों ये वीडियो दी डार्क डायमेंशन नामक जैपनीज यूट्यूब चैनल पर अपलोड की गई है और इस वीडियो का अभी तक कोई भी सोर्स मालूम नहीं लग पाया है, मतलब कि ये वीडियो आखिरकार किसकी है, किसने रिकॉर्ड की है और कब रिकॉर्ड की है, इस चीज के कोई भी एविडेंस मौजूद नहीं है। ये वीडियो जापान की किसी लड़की ने अपने साथ बीती भूतिया घटनाओं को रिकॉर्ड करने के लिए रिकॉर्ड की है। तो पहले आप आराम से ये वीडियो देखिए। तो
देखा आपने, पहले तो एक लड़की सुबह के समय पार्क में जॉगिंग कर रही थी, तभी उसके राइट और लेफ्ट से दो बार कोई गुजरता है, लेकिन जैसे ही वो आगे की तरफ देखती है वहाँ कोई भी मौजूद नहीं होता, और फिर दोबारा उनके लेफ्ट से अचानक एक शैडो गुजरती है जो कि थोड़ा सा आगे जाकर रुक जाती है और फिर इनका पीछा करने लगती है। और इस शैडो की स्पीड देखकर ये तो साफ था कि ये कोई इंसान तो बिल्कुल भी नहीं है। बाकी इस वीडियो के ऊपर आप अपनी राय जरूर बताना। तो दोस्तों, आज की ये क्लास यहीं खत्म होती है, और आज की क्लिप्स में से आपको कौन सी क्लिप सबसे ज्यादा अच्छी लगी कमेंट में जरूर बताना, और आगे भी ऐसी वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी कर देना। तो चलिए खत्म करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।